यहाँ पर हम 7 डी हल कर रहे हैं। 7 डी, इसका पहला क्वेश्चन है आपका। अब ध्यान से देखिए, एक पिता की 10 वर्ष पहले आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी थी। यानी हमको सबसे पहले क्या मानना होगा? वर्तमान आय, ठीक है। फिर इसके बाद हम 10 वर्ष पहले की आय निकालेंगे। तो माना पिता की 10 वर्ष पहले की वर्तमान आयु y है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है प्रश्न में 10 वर्ष पहले कंडीशन दी है, तो यानी कि हमें 10 वर्ष पहले भी दोनों की आयु चाहिए है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार आप क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले, है ना, 10 वर्ष या 10 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी? पहले 10 घटा दिया जाएगा वर्तमान आयु। मान लीजिए अभी अगर कोई बोले कि मेरी आयु 30 साल है, तो 10 वर्ष पहले क्या करेंगे? अगर पूछेगा कि 10 वर्ष पहले कितने थी, तो आप जो है वर्तमान आयु में से 10 माइनस कर देंगे, तो यस माइनस 10 हो जाएगी। इसी तरीके से पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? वाई माइनस 10, यही होगी ना। समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व प्रश्न में बोला गया है, इसलिए हमने 10 वर्ष पूर्व जो है दोनों की आयु निकाली। अब प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र नहीं 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पिता की आयु जो है क्या दिया है? पिता की आयु एक्स माइनस 10 बराबर 3 गुनी है पुत्र की आयु की, ठीक है। ये अब इसको हल करिए, एक समीकरण निकलेगा एक्स माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30, ठीक है। 3 का गुणा वाई से हुआ, 3 का गुणा 10 से हुआ। यहाँ पर एक्स वाई एक तरफ लेके आएंगे, एक्स माइनस 3y इक्वल टू जाएगा माइनस 30 प्लस 10 इक्वल टू क्या जाएगा? एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो एक कंडीशन है, आपको पता है कि दूसरी कंडीशन भी दी होगी। तो यहाँ दिया है दूसरी कंडीशन, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद, अब यहाँ पर हमें 10 वर्ष बाद चाहिए, तो 10 वर्ष बाद क्या होगी? फिर प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार पिता की आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 10, ठीक है। 10 वर्ष बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु नहीं है। और यहाँ पे पुत्र की आयु क्या हो जाएगी आपकी? पुत्र की आयु कब? 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? वाई प्लस 10, ठीक है। वर्तमान अगर मान लीजिए वाई है, तो 10 साल बाद वो क्या होगा? उसमें 10 साल और जोड़ देंगे। समझ में आया सबको? चलिए पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। तो यहाँ पर 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु हो गई, 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी मतलब क्या होगा? कि यक्ष, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका आ गया प्रश्न अनुसार। अब क्या प्रश्न अनुसार आ गया? 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु यक्ष प्लस 10 पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? 2 गुनी, ठीक है। तो यानी पुत्र की आयु क्या है आपकी? वाई प्लस 10 की 2 गुनी हो जाए। अब इसको भी हल करिए, एक समीकरण बन जाएगा एक्स प्लस 2y प्लस 20, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर ये दो समीकरण आपको प्राप्त हो गए, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो यहाँ पर अब इसको हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? दोनों एक तरफ एक्स है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए क्या करेंगे? हटा देंगे। वेरी गुड। तो समीकरण एक में 2 को हटाने पर अब हटा दीजिए x माइनस 3
इक्वल टू माइनस 20 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पर x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3y प्लस 2y क्या आ जाएगा, माइनस y बराबर माइनस 20 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 30। वेरी गुड, माइनस 30 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए ध्यान से। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर क्या आ गया आपका, 30। वाई बराबर 30 आ गया। वाई क्या था आपका, वाई जो था पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो गई, 30। अब पिता की आयु क्या चलनी, किसी भी समीकरण में आप मान लेते हैं तो समीकरण दो में मान लीजिए रखा हमने, है ना। इसके बाद जो है समीकरण दो में, समीकरण दो में वाई का मान रखने पर, ठीक है, अब रखने पर हमने दो में रख दिया। दूसरा समीकरण क्या है, एक्स माइनस टू वाई की जगह हमने क्या रख दिया, 30 बराबर 10। तो एक्स माइनस 30 दूनी 60 बराबर 10। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 धन 60 यानी कितना हो जाएगा, 70। तो x का मान क्या आ गया आपका, x इक्वल टू क्या आ गया आपका, 70। तो यहाँ पर x का मान आ गया 70 और y का मान आ गया 30। x क्या था आपका, पिता की वर्तमान आयु, और y क्या है आपका, पुत्र की वर्तमान आयु। समझ में आया सबको, आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। आता है इसमें वर्तमान आयु तो पूछा है ना, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। आता है पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष होगी। ठीक है, उत्तर आप अलग से लिख लेंगे। चलिए, वेरी गुड, इसको नोट करिए सारे बच्चे। समझ में आ गया सबको, yes,